हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए नई नई वीडियोस देखने के लिए। दोस्तों, आप हमारी सभी वीडियोस की ऑडियो को पॉकेट एफएम की ऐप पर जाकर सुन सकते हैं। आप ऐप में जाकर टॉप आरजे सेक्शन में मेरा चैनल जरा हट के हिंदी को आज ही सब्सक्राइब करें और हमारी सभी वीडियोस की ऑडियो को सुने। ऐप डाउनलोड करने के लिए आप हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां से ऐप इंस्टॉल करें और आज ही सभी ऑडियोस को सुने। नमस्कार दोस्तों, जरा हट के हिंदी में आपका फिर एक बार स्वागत है। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि 2018 इस बार बन रहे हैं ये तीन अद्भुत संयोग। यदि आप पूजा करते हैं तो आपको विशेष धन का लाभ होता है और आपको सफलता की प्राप्ति होती है और आपकी जो भी सफलता की सीढ़ियां हैं वह अपने आप ही बढ़ती चली जाती हैं। तो आइए जानते हैं कि इस शारदीय नवरात्रि ये तीन जो अद्भुत संयोग बन रहे हैं इसमें आपको पूजा कैसे करनी है। शारदीय नवरात्र इस बार 10 अक्टूबर से प्रारंभ हो रही है। नवरात्रों का समापन 18 अक्टूबर को होगा और 19 अक्टूबर को विजयदशमी का पर्व मनाया जाएगा। द्वितीय नवरात्र प्रथम नवरात्र के साथ ही बुधवार को पड़ रही है। एक नवरात्र कम होने के बावजूद नवरात्र के 9 ही दिन पड़ने वाले हैं। अश्विन शुक्ल पक्ष में शारदीय नवरात्र के आने पर अनेक प्रकार के चंडी यज्ञ भी आयोजित किए जा रहे हैं। इनकी तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। इस बार के नवरात्र इसलिए और भी विशेष होंगे क्योंकि इनका शुभारंभ चित्रा नक्षत्र में हो रहा है। वहीं महानवमी का आगमन श्रवण नक्षत्र में होगा। इस दिन ध्वज योग है। इस बार के शारदीय नवरात्र सभी देशवासियों के लिए बहुत शुभ होने वाले। दोस्तों, प्रथम नवरात्र के दिन घट स्थापना दोपहर के समय होगी। देवी भागवत के पाठ करने वाले श्रद्धालु इस दिन दो पाठ करेंगे। दूसरा नवरात्र भी प्रथम नवरात्र के साथ मना लिया जाएगा। इसी प्रकार षष्ठम नवरात्र 14 और 15 दोनों दिन विद्यमान रहेगा। 15 अक्टूबर को सरस्वती आहान किया जाएगा। नवरात्र के दौरान 16 अक्टूबर को शुक्रास्त्र हो जाएगा। सूर्य का तुला राशि में प्रवेश 17 अक्टूबर को दुर्गाष्टमी के दिन होगा। इसी दिन घर कन्याएं जिमाई जाएंगी। अपराजिता पूजन दशहरे के दिन पड़ेगा। शारदीय नवरात्र के साथ साथ भगवान राम की रामलीलाएं भी प्रारंभ हो जाएंगी। यद्यपि रामलीला त्रयोदशी के श्राद्ध से कृष्ण पक्ष में शुरू होती है लेकिन अश्विन शुक्ल पक्ष प्रथम नवरात्र को लगता है। तो दोस्तों, शारदीय नवरात्रि 2018 पर जो ये तीन संयोग बन रहे हैं वह इस कारण बन रहे हैं जो आज हमने आपको बताया। यदि आपको आज की जानकारी पसंद आई हो तो आप इसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना ना भूलें और इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मुफ्त है। धन्यवाद।